गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर हमारा 2 है और वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फिजिकल वर्ल्ड एंड द बेसिक इंट्रोडक्शन दैट वी हैव कवर्ड इन लेक्चर 1 वाज जस्ट अबाउट व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी दैट व्हाट आर द मेन इन्वेंशंस इन द साइंस दैट आर रिलेटेड विद फिजिक्स as well as the fundamental forces on in this universe. There are 4 fundamental forces I have already told you, but one by one we will discuss a brief introduction that how physics is related with every aspect of life, every aspect of technology. It is related with society as well as engineering, science, the branches of science. So in this introductory lecture, part 2, lecture 2, we will complete the introduction of physics and then we will start chapter number 2, which is unit and dimension, and our actual physics begins with chapter with 2. Okay, so we'll start with the introduction and the basics of physics. So write down the date. Okay, subject physics, and the class is class 12, class is class 11th. Okay, class 11th. Class 11th. And the chapter is chapter 1. Chapter 1. Physical world. Physical world. Okay, so now we will discuss one by one the basics of this chapter that were left in the yesterday's lecture. It is lecture number 2. Okay, so first of all, write down physics in relation to other sciences. Write down physics relation with other branches of science So first of all, write down relation with chemistry. First, physics, relation with chemistry, so what is the relation of physics with chemistry? We study about atom, we study about nucleus, the motion of the particles, the subatomic particles like electron and protons. Okay, so in this part, chemistry, you basically deals with the chemical reactions in which molecules and atoms participates. In physics, we will also study about the atoms and nucleus, and the branches of physics are called atomic physics and nuclear physics. Okay, so write down first of all that various technologies, various chemical reactions, the interatomic forces between particles, ठीक है, ये सब जो हम स्टडी करते हैं वो फिजिक्स में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री के पोर्शन है, आप जानते हैं इनको, केमिकल रिएक्शन सब पढ़ते हैं, एटम और न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, और फिजिक्स में भी अलग से ब्रांचेस है, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, और जिसके बाद में हम एटम का मॉडल भी पढ़ते हैं। और ये जो सब चीज़ें केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे
उनमें से थर्मोडाइनमिक्स से केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे और आपको फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा, आपस में इनका रिलेशन है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी जिसको हम बोलते हैं, वो आप साइंस में केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे और फिजिक्स में भी इसका चैप्टर आएगा। तो जब ये चैप्टर आएंगे हमारे डिटेल में तो आप इनका रिलेशन समझेंगे केमिस्ट्री के साथ में, फिजिक्स का क्या रिलेशन है। तो ये टॉपिक आपको स्टडी करना है, और कोई भी एग्जांपल जो आपके मन में आए आप कमेंट में मुझे लिख के बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकंड, फिजिक्स रिलेशन विद बायोलॉजी, रिलेशन विद बायोलॉजी के साथ में भी रिलेशन है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में एक्स रेज भी आती है, बीटा रेज भी आती है, गामा रेज भी आती है। और हमने देखा फिजिक्स में जो स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, मेडिकल साइंस में एक्सरे को भी काम में लिया जाता है, गामा रेज के रेडिएशन से कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना, बीटा रेज भी यूज़ आती है, और जो भी रोबोटिक आर्म्स बनते हैं जिनसे आजकल ऑपरेशंस किए जाते हैं वो फिजिक्स की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि बायोलॉजी के साथ में भी हमारा फिजिक्स का काफ़ी अच्छा रिलेशन है। और MRI, ठीक है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज जो आप पढ़ते हैं वो भी फिजिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। किस तरीके से मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज आती है ये हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, और इसकी एप्लीकेशन आप बायोलॉजी में भी देखते हैं कि MRI जिसको CT स्कैन भी कुछ लोग बोलते हैं करवाई जाती है, एक्सरे भी करवाए जाते हैं, मेडिकल आर्म्स में भी काफ़ी चीज़ें इसके साथ में डिज़ाइन की जाती है। तो बायोलॉजी का भी काफ़ी रिलेशन है इम्पोर्टेंट फिजिक्स के साथ में। नेक्स्ट हम इसका रिलेशन देखेंगे एस्ट्रोनॉमी के साथ, ठीक है। थर्ड, रिलेशन विद एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के साथ में क्या रिलेशन है, सोचिए आप लोग कि एस्ट्रोनॉमी के साथ में इसका क्या रिलेशन है। तो देखिए, ऊपर जो स्पेस के अंदर जो भी बॉडीज हैं, प्लैनेट्स हैं, उनका मोशन है, ठीक है ना, डे एंड नाइट किस तरीके से हो रहे हैं, किस तरीके से वन ईयर कंप्लीट होता है, उसमें क्या रिवॉल्यूशन हो रहा है अर्थ का, मून का क्या रिवॉल्यूशन है अर्थ के अराउंड, एस्ट्रोनॉमी साइंस के अंदर जो भी हम पढ़ते हैं फिजिक्स में उन सबको हम पहले डिफाइन करते हैं, उनका प्रैक्टिकल जो भी एक्सपेरिमेंट्स हम लैब में कर सकते हैं वो तो करते ही हैं उन चीज़ों को समझने के लिए, और बेसिकली जो इनकी थ्योरीज दी जाती है वो फिजिक्स की हेल्प से दी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि एस्ट्रोनॉमी की जो हम स्टडी करते हैं उसकी स्टडी करने के लिए हमें टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट है। और टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि जो भी उसकी डिज़ाइन है कि उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं या कॉनकेव मिरर लगाते हैं वो सब भी हम फिजिक्स की हेल्प से ही तैयार करते हैं। लाइट वाला जो चैप्टर आएगा हमारा क्लास 12 के अंदर, उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किया जाता है, किस तरीके से टेलीस्कोप को डिज़ाइन किया जाता है, कौन से लेंसेज लगाए जाते हैं, वो लेंसेज किस तरीके से काम करते हैं, ये सब हम एस्ट्रोनॉमी साइंस के अंदर यूज़ करते हैं अपरेटस। और फिजिक्स के अंदर इनकी डीप स्टडी आती है जो कि हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए आप लोग, रिलेशन विद मैथमेटिक्स, रिलेशन विद मैथमेटिक्स, रिलेशन विद मैथमेटिक्स, तो बच्चों मैथमेटिक्स से तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखो मैथमेटिक्स के साथ में जो भी हमारा रिलेशन है वो तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई भी थ्योरी है उसको अगर हमें प्रूव करना है फैक्ट्स के बेसिस पे तो मैथमेटिकल डेरिवेशन उसकी बनानी पड़ती है, मैथमेटिकल उसका एक्सप्रेशन हमें बनाना पड़ता है, उसके बिना वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती है। अगर कोई भी चीज़ का हम थ्योरी दे दें और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ना करें तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो मैथ्स का तो बहुत अच्छा रिलेशन है, और इस फिजिक्स को पढ़ने से पहले, 11th की फिजिक्स को पढ़ने से पहले हमें काफ़ी चीज़ें सीखनी होती है, जैसे इंटीग्रेशन हम करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एरियाज जो मैंचुरेशन वाला पार्ट है वो हमारा पूरा फिजिक्स के अंदर काम में आता है। तो लगभग लगभग पूरी मैथमेटिक्स फिजिक्स के अंदर अप्लाई होती है, मैथमेटिक्स के बिना तो फिजिक्स की स्टडी पॉसिबल ही नहीं है। और भी साइंस की अदर ब्रांचेस के साथ में इसका रिलेशन है, जैसे जियोलॉजी हुआ, सिस्मोलॉजी हुआ,
बहुत सारी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की जिनके साइंस की जिनके साथ में फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फिजिक्स को एक्सप्लेन किए बिना उन चीज़ों को समझाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये चीज़ आप स्टडी करेंगे और जो भी एग्जांपल आप अपनी बुक से नेट से देख सकते हैं देखेंगे कि क्या रिलेशन है फिजिक्स का इन सबके साथ में। तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, आगे फर्दर स्टडी आप कर सकते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर। बच्चों उतार दीजिए ये, मिटा देता हूं। ओके, हेडिंग आपने उतार ली होगी, हेडिंग भी मिटा देता हूं ताकि हम पूरा बोर्ड यूज कर पाए। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो हम देखते हैं इसका रिलेशन सोसाइटी के साथ में क्या रिलेशन है। सॉरी, रिलेशन विद सोसाइटी, सोसाइटी के साथ में क्या रिलेशन है बच्चों इसका। तो हमने देखा सेमीकंडक्टर्स हम बनाते हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स हम बनाते हैं जो कि फिजिक्स के अंदर हम इनके डीप स्टडी करते हैं। कंप्यूटर्स जो हम बनाते हैं वो भी हमको पता है कि लॉजिकल गेट्स उसके अंदर होते हैं एंड और नॉट, जिनके बेसिस पे कंप्यूटर डिसीजन लेता है, वो सब भी हम इसी की हेल्प से बनाते हैं, फिजिक्स की हेल्प से बनाते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जिनसे हम कुछ भी चीज़ को देख सकते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप हुआ, उनसे हम डीप स्टडी किसी मैटर की कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप से जो भी बैक्टीरियाज और ये सब है इनकी भी हम स्टडी करते हैं, ये सब भी साइंस का ही पार्ट है। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो आविष्कार हैं, इन्वेंशन है, वो आपने देखे होंगे, चाहे फिर वो टेलीफोन का इन्वेंशन हो, टेलीस्कोप का इन्वेंशन हो, ठीक है, इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती है, ठीक है, उनका जो बेसिक डिज़ाइन होता है इक्विपमेंट्स बनाने का, फिजिक्स की स्टडी किए बिना वो इम्पॉसिबल है। टेलीविजन से कैसे वेव, रेडियो से कैसे वेव्स रिसीव होती है, कैसे वेव्स को सेंड किया जाता है, वो सब भी हम फिजिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। तो सोसाइटी के साथ में इसका बहुत बड़ा रिलेशन है। ठीक है, तो हमारा गोल क्या होता है कि बहुत एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको बनाना और उनको मैनकाइंड के लिए यूज़ करना, वो सब हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो जो भी नेचुरल फिनोमिना देखा उसके अंदर कुछ इन्वेंशन हम करना चाहते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उसकी जो भी डिज़ाइन है या उसके बारे में जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है वो हमें फिजिक्स से ही मिलता है, उसका बेसिक नॉलेज, फिर उसके बाद में हम उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो सोसाइटी के साथ में भी बहुत बड़ा रिलेशन है जो कि मैंने आपको वन बाय वन बताया। ठीक है, और टेक्नोलॉजी के साथ में रिलेशन है, बताइए है या नहीं, टेक्नोलॉजी के साथ में भी रिलेशन है, रिलेशन विद टेक्नोलॉजी। अब ये तो आप भी मुझे बता सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ में क्या रिलेशन है फिजिक्स का। देखो बच्चों, जो भी अभी तक इन्वेंशंस हुए हैं मेन उनकी स्टार्टिंग सबकी फिजिक्स के ही साथ है। आज हम घरों में बैठे हैं आराम से, हमें गर्मी लग रही है, हमने एसी ऑन किया, एयर कंडीशनर, तो थर्मोडाइनमिक्स में आप देखेंगे रेफ्रिजरेटर वाला जो सिस्टम है, ठीक है, इंजन्स बनते हैं, स्टीम इंजन्स बनते हैं, हीट इंजन्स बनते हैं, कार्नो इंजन जो उनका थ्योरेटिकल बेसिस है, ये सभी हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं टेक्नोलॉजी वाला। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया जो हमारा एरोप्लेन है, एरोप्लेन के जो डिज़ाइन है वो फिजिक्स में जो विस्कोसिटी वाला हम पार्ट पढ़ेंगे, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, तो आप देखेंगे कि उनके डिज़ाइन को कैसे किया जाए वो भी हम फिजिक्स की हेल्प से ही सीख पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा रॉकेट प्रोपल्शन है, ठीक है ना, रॉकेट जो है ऊपर जाता है, उससे हम सैटेलाइट्स को भेजते हैं, तो वो किस तरीके से ऊपर जाएगा, कितना थ्रस्ट, कितना फोर्स उसको ऊपर जाने के लिए चाहिए, कितना रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड उसका होना चाहिए, सबकी ही कैलकुलेशन फिजिक्स के ही साथ मैथ्स को अप्लाई करके की जाती है। ठीक है, सोनार हुआ, ठीक है ना, जो भी हम रडार सिस्टम यूज़ करते हैं,
या जो सोनार सिस्टम हम यूज़ करते हैं, सबका जो बेसिक डिज़ाइन है वो हमें फिजिक्स से ही मिलता है। तो स्टार्टिंग में जो भी इन्वेंशंस हमारे हुए हैं उनका बेस हमेशा हमें फिजिक्स से ही मिला है, फिजिक्स से उनका बेस मिला है, फिर फर्दर स्टडीज़ हमने उनकी आगे की है। तो जो हमारे 11th और 12th के चैप्टर्स हैं उनमें वन बाई वन वो जितने भी इन्वेंशंस हैं या जो भी आज तक हम साइंस के अंदर हमने बेसिक जो इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ देखा है उसके अंदर सबके अंदर फिजिक्स इन्वॉल्व है। और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एग्जांपल आप भी जानते होंगे जहाँ पे हमने फिजिक्स का यूज़ किया है, तो ये आप उतार सकते हैं। और इसके और भी रिलेशन है, ऑप्टिकल फाइबर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, हाइड्रो पावर प्लांट है, फोटो सेल्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, मैग्नेट्स है, बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस है जिनका बेस हम फिजिक्स में ही तैयार करते हैं। और क्लास 11th और 12th के सिलेबस में आपको अच्छे से ये सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी में कोई भी इन्वेंशन जो आपको पता लगता है उसकी बेसिक स्टडी नेचुरल फिनोमेना की फिजिक्स के साथ में ही स्टार्ट होती है, क्योंकि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। पहले हम उन्हें समझते हैं और फिर उनके बेस पर हम कोई भी डिवाइस या उसकी थ्योरी को तैयार करते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के साथ ये रिलेशन है। ठीक है, और भी आप उसके अंदर जो भी इन्वेंशंस आपको याद आते हैं उसको आप फिजिक्स के साथ में रिलेट कर सकते हैं कि इसका बेसिक मॉडल क्या हुआ होगा, सबसे पहले किसी ने क्या ऑब्जर्वेशन किया होगा, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करके क्या थ्योरी को प्रूव किया होगा, ये सब आप जान सकते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों फिजिक्स का, और बहुत सारे इन्वेंशंस हुए भी हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम उनकी स्टडी कर सकते हैं। अब ये आपने लिख लिया है तो अपन इसका जो चैप्टर का लास्ट पार्ट है, देखो छोटा सा लेक्चर है, और इस बार जो सिलेबस रिड्यूस होने का हम सुन रहे हैं तो 30% सिलेबस जो रिड्यूस होगा, हो सकता है उसमें ये पार्ट जो मैं लेक्चर में आपको पढ़ा रहा हूँ वो हटा दिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक है फिजिक्स का, ये हम खुद भी पढ़ सकते हैं। तो हो सकता है इसको 30% का जो रिडक्शन सिलेबस में इस बार होगा कोरोना की वजह से, तो उसके अंदर हो सकता है ये पार्ट्स ना आए, इसीलिए मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि फिजिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट जो है हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस, और वो ही हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ठीक है, इरेज कर देता हूँ, इनके बारे में आप हेडिंग डाल सकते हैं और फिर अपने आप इनके जो भी एग्जांपल्स मैंने बताया वन बाय वन अपनी कॉपी के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे बेसिक से, फिर भी हम इंट्रोडक्शन इसका जरूर करते हैं। तो लास्ट जो हमारी हेडिंग है इस लेक्चर की वो आप लिख सकते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, और यहाँ पे लगभग चार जो है फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट, तो आप लिख सकते हैं देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर के अंदर बेसिकली फोर फंडामेंटल फोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हम बच्चों लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यह हमारा फर्स्ट फोर्स है बच्चों। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में 9th क्लास के अंदर आपने स्टडी किया होगा। ठीक है, और किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास में मास है उनके बीच में ये ऑब्जेक्ट ये फोर्स काम करता है। ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसका बेसिक आप 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, और इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। फोर्स इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। जी तो देखो बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अभी हम आगे जाके जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। एम वन और एम टू मास है दो ऑब्जेक्ट्स के, आर उनके बीच की डिस्टेंस है। तो देखो मासेस का मल्टीप्लिकेशन होगा उसके फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो ये ऊपर लिखा हुआ है, ये भी ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब मासेस का जो मल्टीप्लिकेशन है उनके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास में मास है, इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास में मास है उनके बीच में ये फोर्स अप्लाई किया जा सकता है। अपॉन में आप क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर है। इसका मतलब जैसे अपॉन की चीज़ बढ़ेगी ये वाली चीज़ कम होगी, इसका मतलब
अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस बढ़ती है, मास बढ़ता है तब तो फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स कम हो जाएगा। तो यह हमारा फंडामेंटल फोर्स है जो यूनिवर्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके काफ़ी एग्जांपल्स मैं आपको बता चुका हूँ, और बहुत सारे एग्जांपल जो हैं ग्रेविटेशन के, तो वो तो देखो बच्चों, एक और चीज़ इसके बारे में, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में हम जान लेते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका नेचर कैसा होगा, देखो ये तो आप पढ़ ही चुके हैं कि मास जितना होगा फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस अगर उन मासेस के बीच में बढ़ गई ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो फोर्स कम हो जाएगा। नेचर हमेशा इसका अट्रैक्शन का होगा, नेचर इसका हमेशा अट्रैक्शन का होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स कभी भी रिपल्शन शो नहीं करता है, अट्रैक्शन ही शो करेगा। तो इसका मतलब जैसे कि सन और अर्थ है, इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, अर्थ और मून के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, जो भी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है मतलब अट्रैक्शन फोर्स है वो उसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस की तरफ आता है तो अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो बेसिकली अट्रैक्शन टाइप का ये फोर्स देखने में होता है, ठीक है। अब देखो ग्रेविटेशन की वजह से हम इस अर्थ की सरफेस पर खड़े हैं, फिर भी हम चल पा रहे हैं, अपना पैर उठा पा रहे हैं, इसका मतलब ये फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि हमें पकड़ के रख सके, ठीक है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता तो हम अर्थ की सरफेस पर चल ही नहीं पाते, तो हमने देखा ये फोर्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ये वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स है जो नेचर के अंदर हमें मिलता है, ठीक है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमजोर होता है ये, वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्ग नहीं होता इतना, तभी हम चल पाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से ऊपर जा पाता है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे या कोई भी ऐसी सरफेस जिस पर ग्रेविटेशन है, जिसका मास है, मास से तो ग्रेविटेशन होगा, तो ऑब्जेक्ट उस सरफेस पे मूव ही नहीं कर पाता। तो हमने देखा ये वीकेस्ट फोर्स, इसका नेचर है काफ़ी वीक होता है ये फोर्स, अट्रैक्शन इसका नेचर है, ठीक है। ये चीज़ें आप इसके बारे में लिख सकते हैं, और बाकी तो मैंने आपको इसके अंदर बताया ही था कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में मास है वहाँ पे इसको अप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपने उतार लिया, बेसिक इसका थोड़ा बहुत समझना है हमें, बाकी तो इन पर चैप्टर्स आएंगे पूरे जब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। ग्रेविटेशन तो हमारा चैप्टर ही है, चैप्टर नंबर हमारी बुक के अंदर एट्थ वाला चैप्टर है, इलेवंथ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, तब तो हम ये पूरा स्टडी करेंगे इसके बारे में। अभी आपको इतना ही बेसिक जानना है, तो आपने पॉज करके उतार लिया होगा, और भी इसके बारे में जो भी आप पढ़ना चाहें अपने बुक के अंदर से थ्योरी पढ़ सकते हैं, डिटेल में आएगा चैप्टर क्लास 11 में चैप्टर नंबर 8। तो उतार दीजिए फिर मिटाते हैं। अब दूसरा फोर्स कौन सा होगा बच्चों, तो जो दूसरा फोर्स है उसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स भी नेचर में मिलता है पर काफ़ी वीक होता है, और इसके लिए आप लिख सकते हैं दीज फोर्सेज वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ बीटा डीके इन रेडियो एक्टिविटी। दिस फोर्स इज फाउंड इन बीटा डीके इन रेडियो एक्टिविटी। ये लिख लीजिए आप, जो भी हमारा बीटा डीके होगा उसमें रेडियो एक्टिविटी के अंदर इस फोर्स को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो हमारे बीटा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो बीटा पार्टिकल्स और ये सब न्यूक्लियस के अंदर है। हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो न्यूक्लियर के बाहर रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो न्यूक्लियर के अंदर लगने वाले, और बीटा पार्टिकल्स तो काफ़ी स्मॉल होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स तो बहुत बड़े हैं, अगर बीटा से उनका कंपेरिजन किया जाए तो बीटा पार्टिकल्स काफ़ी छोटे हैं। और ये रेडियो एक्टिविटी, ये फिनोमिना तो आपने पढ़ा ही होगा कि कोई भी
जो हमारा सब्सटेंस है अपने आप डीके होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि यूरेनियम को अगर हम खुला छोड़ दें तो उसका डीके अपने आप स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी सालों तक वो पड़ा रहेगा तो डीके होता होता अपने आप ही एटमोसफियर के अंदर वो पड़ा पड़ा उसका मास कम होता रहता है। और हम जानते हैं मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन से दैट इट कैन बी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जो भी मास अपने आप, क्योंकि देखो अपने आप जो एटमोसफियर है उसके अंदर रेडिएशंस के थ्रू मास कम होता रहेगा, पर हमें पता है कि वो मास लॉस तो नहीं हो सकता, तो वो एनर्जी के रेडिएशंस की फॉर्म में बाहर निकलेगा। और रेडियो एक्टिविटी के तो बहुत सारे इफेक्ट आपने देखे होंगे, जैसे कि अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दें तो उससे रेडिएशंस निकलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उसके अंदर हम यूज़ करते हैं तो उसका डीके होता रहता है और बहुत हार्मफुल रेडिएशंस निकलते रहते हैं जो कि हमें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो ये जो बीटा पार्टिकल्स के बीच में लगता है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स पे लग रहा होता है और केवल इसकी रेंज कितनी है न्यूक्लियस के अंदर। तो हमने देखा शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है, आप इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हो कि ये शॉर्ट रेंज है, ठीक है, शॉर्ट रेंज, ठीक है, ज़्यादा दूरी तक ये फोर्स काम ही नहीं करता क्योंकि हमने देखा न्यूक्लियस के अंदर ये काम करेगा, ठीक है। तो ये भी आप उतार सकते हो बच्चों, तो इसका भी नेचर है ये कैसा है वीक, इसके तो नाम में लिखा हुआ है वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो ये उतार सकते हो आप। नेक्स्ट फिर हम इसके अंदर लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उतार लिया होगा आपने, मिटा देता हूँ मैं। थर्ड वन जो आता है बच्चों जो हमें स्टडी करना होता है, जो कि फिजिक्स के अंदर आएंगे भी चैप्टर्स आएंगे वन बाय वन और उनके अंदर हम उसकी स्टडी करेंगे, तो जो थर्ड हमारा फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है बच्चों, तो ये हेडिंग डाल लो फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। उतार दिया आपने, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो ये कब लगता है बच्चों, ये लगता है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है और क्लास 12th में जब आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे वो चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, जो कि होता है F इज इक्वल टू के, के तो कांस्टेंट है बच्चों, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो जैसे भी आपने देखा था F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, वो दो मासेस के बीच में लगता है और जो भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। देखो Q1 एंड Q2 चार्ज हैं, उनके बीच की डिस्टेंस है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर चार्जेस को बढ़ाया जाएगा, चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाया जाएगा तो ये फोर्स इंक्रीज होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाएंगे ये फोर्स कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों नेचर में, नेचर कैसा है स्ट्रॉन्ग है ये फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आएगा जो फोर्थ लॉ हम पढ़ेंगे। तो नेचर कैसा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ये फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल वाले फोर्स से, ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशन का जो फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स का ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10^39 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसके कंपैरिजन में ये वाला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10^39 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ग्रेविटेशन फोर्स से तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये वाला फोर्स, ठीक है। और अगर हम बोल दें कि ग्रेविटेशन फोर्स को 10^-39 टाइम्स करें तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स आता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है।
और बच्चों ये फोर्स किस तरीके से काम करता है, देखो मैंने इसको चोक को यहाँ रब किया तो डस्ट पार्टिकल इस बोर्ड के ऊपर जाके चिपक गए, ठीक है। तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है कि मैंने रब किया तो यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकल के यहाँ पे चिपक गए, इसने डोनेट किए पार्टिकल्स, ठीक है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसने रिसीव किए इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल है। हम देखते हैं कि जब हम चलते हैं तो जब हमारे चलने से बार बार हम सैंड को रब करते हैं, ठीक है ना, मिट्टी हमारे पैरों के नीचे बार बार में जब हम उसको रब करते हैं तो वो भी चार्ज हो जाती है और हमारी पैंट पे या जूतों पे मिट्टी चिपक जाती है। वो इसीलिए क्योंकि बार बार हमारे चलने से वो पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं और अट्रैक्शन के कारण चिपक जाते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल आपने प्लास्टिक वाली कुर्सी पर भी रब करके देखा होगा, आपने कॉम्ब को ड्राई हेयर में, गीले बालों में नहीं, वेट हेयर्स के अंदर तो करेगा नहीं, अगर आपके ड्राई हेयर है अगर किसी कॉम्ब को आप बार बार रब कर रहे हो तो वहाँ से भी हम क्या देखते हैं कि एक चार्जेस को रिलीज करेगा, दूसरा चार्जेस को रिसीव करेगा। तो जो डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पर नेगेटिव, दोनों ही चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और हमने देखा कि फिर उस कॉम्ब के पास में आप छोटे छोटे पेपर के पीस लेके जाओ, वो अट्रैक्शन शो करेगा। डस्ट पार्टिकल या कोई भी लाइट वेट पार्टिकल्स उसके पास में लेके जाओगे तो वो उसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा, जो हमारा कॉम्ब होगा। इसका मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया रबिंग वाले, ये सब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के कारण ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। तो ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है, ठीक है ना। और ये हाई रेंज तक भी जाता है, ऐसा नहीं है इसकी रेंज काफ़ी कम है, रेंज भी इसकी काफ़ी दूरी तक है। और कितनी दूरी तक है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि EM वेव्स को हम स्पेस में अगर कोई हमने भेजा है जिसके अंदर कोई भी हमने स्पेस शटल भेजा है जिसके अंदर कोई आदमी है, साइंटिस्ट है, वो वहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उससे हम अपना कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं EM वेव्स के थ्रू। तो हमने देखा कि EM वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो काफ़ी दूर तक ट्रेवल करती है, ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट रेंज है, तो रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है इसकी, वो भी आप लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। और ये फोर्स दोनों टाइप का हो सकता है बच्चों, ठीक है भाई। ये फोर्स जो है अट्रैक्शन टाइप का भी हो सकता है और रिपल्शन टाइप का भी हो सकता है। मतलब अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो उनके बीच में तो रिपल्शन होगा, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो दोनों नेचर शो करता है ये, अट्रैक्शन का भी और रिपल्शन का भी। ये भी एक पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो कि दोनों टाइप का नेचर शो करता है, अट्रैक्शन का भी और रिपल्शन का भी। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लिख सकते हैं आप। काफ़ी क्वालिटीज मैंने आपको बता दी है इसकी, काफ़ी प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की हैं आपसे, ठीक है। और फिर हम जो है इसके अंदर लास्ट लिखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ वाला पार्ट पॉज करके उतार दीजिएगा। और इसके बारे में और भी पॉइंट्स जितने भी मैंने आपको बताए हैं ऑरली उनको लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर, मिटा देता हूँ। इस लेक्चर में हम सिर्फ इनका बेसिक समझ रहे हैं, डिटेल्ड स्टडी तो चैप्टर्स में इनकी आई जाएगी अपने आप। जो लास्ट है हमारा बच्चों वो आएगा फोर्थ, और ये जो फोर्थ हमारा फोर्स है बच्चों ये आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इस यूनिवर्स के अंदर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये तो जो भी हमारा यूनिवर्स है उसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। रेंज तो काफ़ी कम होगी इसकी क्योंकि न्यूक्लियर के अंदर लग रहा है, रेंज काफ़ी कम होगी पर ये फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। किन के बीच में लगेगा ये, तो बच्चों आप ही देखो न्यूक्लियस में कौन रहता है, न्यूक्लियस में प्रोटोन होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो ये प्रोटोन प्रोटोन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स है। अब आप देखेंगे कि प्रोटोन प्रोटोन तो पॉजिटिव सेम चार्जेस में रिपल्शन होना चाहिए, तो देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि जिनको रिपल्शन होना चाहिए उनको भी ये बांध के रख रहा है। तो इसका मतलब अगर न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो काफ़ी एनर्जी रिलीज करेगा, वही न्यूक्लियर बॉम्ब की एनर्जी का राज है, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इसके बारे में हम लिख सकते हैं दिस फोर्स बाइंड्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन न्यूक्लियस। क्या करता है ये फोर्स, दिस फोर्स बाइंड्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर उसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखने के लिए ये फोर्स काम होता है। और आपने देखा सेम टाइप की चीजों को अगर इसको बांध के रखना है, भाई न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं होता, पर प्रोटॉन्स को जो कि सेम टाइप के हैं तो काफी एनर्जीज को यूज करनी पड़ती है, और उतना ही अगर हम न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो आपने देखा था न्यूक्लियर फीजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, दो वर्ड आपने सुने होंगे कि एक तो जो सन की एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे एटॉम ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स है उनके एनर्जी का सोर्स है, तो ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अंदर आएंगे। उतार सकते हैं आप ये इसकी बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, तो ये कैसा फोर्स है बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट, नेचर में तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये। और इसकी क्या क्वालिटी होगी, न्यूक्लियस के अंदर ही लग रहा है तो लो रेंज, रेंज तो इसकी भी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, ये भी इसका एक फीचर है। और इलेक्ट्रिक फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्या, तो हमने देखा बच्चों हाँ डेफिनेटली, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि अब तक के जो दोनों फोर्सेस थे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, दोनों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर रेंज काफ़ी कम है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर लगता है तो रेंज इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, और काफ़ी एनर्जी हमको न्यूक्लियस को बाइंड करके रखने के लिए यूज़ करनी पड़ती है। न्यूक्लियर फिजिक्स क्लास 12 के अंदर हमारा चैप्टर आएगा, उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो अभी तो इतना लिख लीजिए इसके बारे में। और नॉन कंजर्वेटिव है बच्चों नेचर के अंदर, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ये भी आप पढ़ लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो अगर मेमोरी में इनका कोई रिलेशन रखना चाहें, ठीक है, कि ये जो फोर्सेस हैं ये एक दूसरे से इनका रेशियो क्या है, कौन सा फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर वो हम जानना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इनका एक छोटा सा रिलेशन हम लिख सकते हैं, तो एफ ग्रेविटेशन रेशियो अगर इसका देखें वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ, फिर इसका रिलेशन देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ, और लास्ट में तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इनका अगर हम रेशियो देखें बच्चों, तो रेशियो देखेंगे आप, रेशियो को देखते ही आपको पता लगेगा कौन सा फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है। तो पहला है 1, दूसरा है 10^25, ये 1, तो ये रेशियो है 10^25, तो बच्चों इसका रेशियो आ जाएगा 10^36। ठीक है, और जो न्यूक्लियर फोर्स होगा हमारा वो तो और भी स्ट्रॉन्ग है, ये हो जाएगा 10^38 टाइम। तो आपने देखा सबसे जो वीकेस्ट फोर्स है वो तो ग्रेविटेशन फोर्स है, अगर वो 1 है तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा वो 10^25 टाइम्स, अरबों खरबों, बहुत वैल्यू में आप जानते हैं 10^25 काफ़ी ज़्यादा होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से, पर इसकी रेंज ज़्यादा होती है, इसकी रेंज कम होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स से भी ज़्यादा है, 10^36 टाइम्स। ठीक है ना, ग्रेविटेशन का तो 10^36 टाइम्स है ये फोर्स, तो हमने देखा ग्रेविटेशन से तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और देखो 36 के बाद में 38 मतलब 10^2 मतलब 100 टाइम्स ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये रेशियो भी आप अपनी मेमोरी में रख सकते हो, आपको पता रहे कि ग्रेविटेशन फोर्स सबसे वीक है, फिर उसके बाद में वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये इनका रेशियो है। तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर हमने जो लेक्चर नंबर 2 है इसके अंदर हमने बेसिक डिस्कस कर लिया है पूरा। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है उसके अंदर हमें इतना ही स्टडी करना है, फिजिक्स के बारे में जितना भी बेसिक जानना था हमें इंट्रोडक्शन में वो इस चैप्टर के अंदर और इन 2 लेक्चर्स के अंदर हम कवर कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट, और वहाँ से हमारी इंटरेस्टिंग फिजिक्स चालू होगी जो एक्चुअली हमारे सिलेबस का पार्ट है और जो हमें पढ़ना है। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।